नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम इस दुनिया के लिए तथा इस समाज के लिए एक मिसाल है। आज के समय में जब भी दो प्रेमियों को देखा जाता है तो लोग यही कहते हैं कि ये तो बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे लगते हैं, इनकी जोड़ी तो बिल्कुल राधा कृष्ण जैसी लग रही है। राधा कृष्ण की कहानी आज के समय में किसी से भी छुपी नहीं है। उनकी अमर प्रेम की कहानी का उदाहरण आज भी पूरा संसार देता है। लेकिन इसके बाद भी भगवान कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हुआ था। दोस्तों राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, क्या आप इसकी वजह जानते हैं? भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, इस बात का पुराणों में उल्लेख तो दिया गया है, लेकिन इसके कई अलग अलग कारण बताए गए हैं। आज हम आपको उन सभी कारणों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण से बड़ी थी और उनका विवाह पहले ही किसी और से हो चुका था। एक बार श्री कृष्ण माँ यशोदा से राधा से विवाह के लिए जिद कर रहे थे। फिर मैया यशोदा श्री कृष्ण को समझाते हुए कहती है कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है और एक छोटे ग्वाल की पुत्री है, साथ ही राधा का विवाह कंस के सैनिक से तय हो चुका है। माता यशोदा के समझाने पर भी जब श्री कृष्ण जिद करने लगते हैं तो वह अपनी चिंता नंद बाबा को बताती है। नंद बाबा अपने पुत्र को लेकर गर्गाचार्य और संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं। संदीपनी ऋषि भगवान कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वह अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना भटके। फिर कृष्ण ने अपने गुरु से कहा, उनका मन गांव ग्वाल जंगल में ही लगता है और वह वहीं रहना चाहते हैं। यह सब सुनकर गर्गाचार्य ने निश्चय किया कि अब समय आ चुका है कि भगवान कृष्ण को उनके जन्म की समय की सच्चाई बताई जाए। गर्ग आचार्य ने कृष्ण को उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि वह यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं। उनका उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना करना है। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण चुपचाप उठे और एक आखिरी बार वो राधा जी से मिलने गए। अपने कमर से बांसुरी निकालकर राधा को देते हुए बोले, यह बांसुरी अब तुम्हारी हुई, आज के बाद मैं कभी भी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा जी समझ चुकी थी कि श्री कृष्ण हमेशा के लिए धर्म के पथ पर निकल चुके हैं। राधा जी ने कृष्ण जी को गले लगाकर विदा कर दिया और उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारका से कभी नहीं लौटे और इसी कारण राधा जी और कृष्ण जी शादी नहीं कर पाए। इसके अलावा एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि राधा जी और रुक्मणी एक ही थी। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में लीन थी, वैसे ही रुक्मणी भी कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए सपने देखती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह कहीं और तय कर दिया था। लेकिन यह बात सुनते ही रुक्मणी ने अपने भाई को कह दिया कि अगर उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण इस घटना से पहले रुक्मणी को नहीं जानते थे, पर हैरानी की बात यह थी कि वह रुक्मणी से विवाह करने के लिए चले गए थे। इसका कारण यह था कि राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार माना जाता है और इसी कारण राधा और रुक्मणी एक ही थी। इसके अनुसार कृष्ण जी का विवाह राधा स्वरूपी रुक्मणी से ही हुआ। दोस्तों भले ही राधा और कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर नहीं हुआ, परंतु दोनों ने एक दूसरे से जीवन भर प्रेम किया था। इसी कारण से उनकी जोड़ी विश्व की सबसे सुंदर जोड़ी मानी जाती है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।